सब्सक्राइब करें प्रॉब्लम सॉल्व चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर में आरोग्य सेतु ऐप जो है आप कैसे अपने जो कीपैड फोन वाले हैं, यानी कि अभी देखिए आपके पास में यहाँ पर जो है एंड्रॉइड फोन, यानी कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप आसानी से जो है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आईफोन यूजर हैं तो डेफिनेटली आप उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो एक मल्टीमीडिया फोन, एक आपका स्मार्टफोन है जो कि काफी अच्छा होता है। तो उस केस में यहाँ पर जो है आप आरोग्य सेतु ऐप को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बात करें जिनके पास जो है अगर स्मार्टफोन नहीं है, यानी जिनके पास सिर्फ कीपैड फोन है या जिनके पास सिर्फ जियो का फोन है, वो कैसे इस चीज को इस्तेमाल करे। जियो का फोन का मतलब, जो आपको पता है कि थोड़ा बहुत मल्टीमीडिया के साथ जियो का फोन लॉन्च हुआ था, जो 599 या 699 का एवरेज का जो एक फोन था, तो उसके अंदर आप कैसे यूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोस्तों ये पूरी अपडेट आप सबके लिए, और सबसे बड़ी चीज की फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना ये है कि आपको पता है कि कोरोना का दौर ऐसा है कि वो ये नहीं पता कि भाई कौन से इंसान के अंदर कोरोना है, आप कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है आपके सामने वाला, आपके पड़ोस वाला, आपके बगल वाला, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हम इस चीज के लिए कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन इससे बचने और जानने का तरीका सिर्फ एक है, वो यही है, या तो आप जानते हो उस बारे में, और अगर आप नहीं जानते हो तो यहाँ पे सरकार ने जो दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया है तो उसको आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे। मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी दो वीडियोस मैंने बताया कि इसको फुल डिटेल मैंने बताया कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है और बेसिकली उसमें कैसे आपको उसको यूज करना है। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आई बटन में लिंक है, उसको आप जाकर आसानी से वहां पर देख सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर कि जो कीपैड वाले जो लोग हैं, यानी जो कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करते हैं, उनको कैसे करना है इस चीज को इस्तेमाल, राइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया फिर अगेन कि आप जो यहाँ पर आपको एक नंबर डायल करना अपने फोन में, वो नंबर डायल करना आपको वहां पर 1921, आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा होगा, आपको ये नंबर डायल करना अपने फोन के अंदर। आई अगेन रिपीट, मैं दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर 1921 आपको ये नंबर डायल करना है। उसके बाद जैसे ही आप नंबर डायल करें तो आपके पास में सबसे पहले आपसे सेम वही क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आपका आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी है, और उसके बाद में वहां पे कुछ क्वेश्चंस आंसर लाइक कि भाई आप जो है विद इन 14 डेज के अंदर जो है आप कहीं इंटरनेशनल ट्रेवल तो नहीं किए हैं, या आप जो है आपको जो है कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव से किसी से आप मिले तो नहीं है, दूसरी चीज कहीं आपको खांसी जुकाम एक्स वाई जेड, जो एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, सेम वो सारे आईवीआर, यानी आपको पता है आईवीआर में जब हम लोग किसी कस्टमर केयर को कॉल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहां पर्टिकुलर बोला जाता है कि एक दबाएं, दो दबाएं, चार दबाएं, पांच दबाएं, तो ऐसे करके हम पहले सामने वाले की बात सुनते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे कीपैड में नंबर डायल करते हैं। तो सेम यही प्रोसेस आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में जैसे सारी प्रक्रिया हो जाएगी पूरी, और उसके बाद आपके पास में गवर्नमेंट का एक मैसेज आएगा कि आप सेफ जोन में हैं या सेफ जोन में नहीं है। और इस दौरान दोस्तों यहाँ पर जो है आपको टाइमली जो है अपडेट मिला करेगा कि आपके उस दायरे में कितने लोग पॉजिटिव हैं, कितने लोग पॉजिटिव नहीं हैं। तो दोस्तों ये काफी अच्छा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की पहल है ताकि हर किसी तक अच्छा एक अपडेट मिलता रहे और सब इस चीज के लिए जागरूक हो और सब एक दूसरे के सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें ताकि कोरोना के ऊपर काबू किया जा सके, और साथ ही जो भी ये जो वक्त चल रहा है, जो भी पूरी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, उन सबको कंट्रोल करके एक अच्छा माहौल और एक अच्छा समय लाया जाए वापस। तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है गवर्नमेंट की इस चीज को आप यहाँ पर इसका लाभ उठाइए, जानिए, समझिए, और इस वीडियो को उन सभी तक शेयर कीजिए जिनको आप जानते हैं कि वो कीपैड फोन इस्तेमाल करते हैं। हर किसी को भेजिए, हर किसी को बताइए कि आप इस तरीके से इस नंबर को आप जो है आसानी से डायल करके आप ऐसे ऐसे जो है आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे जियो यूजर्स की बात करें तो जियो के लिए जो फोन आया था एक 599 रुपए का नेक्स्ट जो भी फोन था, तो उसके अंदर यहाँ पर जो है अब उसके लिए भी वो जो मतलब ऐप है उस ऐप को उसके कंपेटेबल बनाया जा रहा है कि ताकि उसके अंदर यूज हो सके, ताकि आप क्योंकि वो मल्टीमीडिया कहीं ना कहीं है तो उसमें आपको इस्तेमाल करने को मिल सकता है, बाकी थोड़ा सा वेट करना होगा तो ताकि आने वाले टाइम पे आपको उसके अंदर जो भी अपने जियो फोन के अंदर भी आप उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। तो बस फ्रेंड ये था दोस्तों यहाँ पर एक आरोग्य सेतु ऐप की अपडेट जो कि कोरोना वायरस से बचाने के लिए है। अगर आपने नहीं देखा, अगर नहीं जानते कि क्या है ऐप में, कैसे इसे काम करता है, आई बटन में वीडियोस मिल जाएगी, जाकर उसको आप आसानी दे सकते हैं। बस फ्रेंड फिलहाल दोस्तों इतना ही, चैनल पे है नए चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और दोस्तों बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या आप कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं, क्या आप कीपैड का फोन इस्तेमाल करते हैं, या आपके फैमिली में कोई कीपैड का फोन इस्तेमाल करता है तो उनको भी आप ये सारे सुझाव दे सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।